हमने कोलेगांव में जो कंपनी के खिलाफ वीडियो बनाया था, पोल्यूशन के कारण बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है, उस वीडियो का मैंने अभी फॉलोअप वीडियो बनाया है। तो उसमें जब मैंने गांव में जाके उस वीडियो का स्क्रीनिंग किया तो कंपनी वाले को पता चला कि ऐसा कोई वीडियो बना रहा है, तो उन्होंने जो हमारा पात्र था दुर्गुड़े करके, उनका जो कुआ था उसका पानी जो पूरा रेड कलर का हो गया था, तो उन्होंने उस कुएं का पूरा बांधकाम कर दिया और उसे ढक्कन डाल दिया, जिसके कारण कंपनी का जो काला मिट्टी है वो उसके अंदर ना गिरे। अजून त्यांनी घराच्या बदली काय काय बदल करून दिला? घराच्या रॉ मटेरियलमुळे येणारी जी धूळ होती, धुळेपासून संरक्षण करण्यासाठी घरापुढे त्यांनी शेड नेट करून दिलं। शेड नेटवरनं ग्रीन अँगलमध्ये त्यांनी ही केलं, फ्रेम तयार केली आणि त्यावर ग्रीन हाऊस सारखं जे नेट असतं ते नेट टाकून दिलेलं आहे। मुझे लगता है ये हमारे वीडियो का ही असर है कि कंपनी वालों ने कम से कम उन दुर्गुड़े के कुएं की तरफ ध्यान तो दिया। पहले तो वो कुछ मानने के लिए भी तैयार नहीं थे और गांव की तरफ देखते भी नहीं थे। तुम्ही सगळेजण ठरवा, आपण कलेक्टरची अपॉइंटमेंट घेऊ, एक दिवशी जाऊ, व्हिडिओ दाखवण्याचं काम माझं, ते काय उत्तर देतात ते शूट करण्याचं काम माझं, की आमच्या शेतीवर प्रदूषण होतंय, आमच्या घरावर प्रदूषण होतंय, ते निवेदन मी सगळे बरोबर घेतलेले आहेत आणि समुदायाबरोबर आम्ही एक दिवस ठरवून कलेक्टरकडे भेटायला जाणार आहे। पण मला असं वाटतं की याच्यात जे गावातील पुढारी आहेत ते अजिबात सहभाग घेत नाही आहेत, फक्त जे शेतकरी वर्ग आहे तोच माझ्या बरोबर आहे। छोटे से व्हिडिओ ने इतना बड़ा असर दिखाया है, तो मुझे जरूर लग रहा है कि आगे जाके भी इम्पैक्ट होगा। मैं रोहिणी पवार, महाराष्ट्र राज्य के गोळेगाव से, इंडिया अनहर्ड के लिए।